गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। किस प्रकार से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पवनों का परिसंचरण होता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमने पहले भी समझा था। वायुमंडल के परिसंचरण की हम बात करते हैं, हमने वायुदाब का जब क्षैतिज वितरण किया उसमें इसका अध्ययन किया है किस प्रकार से वायुदाब का क्षैतिज वितरण है। 0 डिग्री अक्षांश पर उच्च निम्न वायुदाब पाए जाते हैं, तो वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से हमने वायुदाब की चर्चा की। अब हम बात करते हैं, देखना, वायुदाब पेटियों की, कि विभिन्न प्रकार से वायुदाब पेटियां, अलग अलग स्तर पर वायुदाब पेटियां पाई जाती है। 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, जिसे क्या कहा जाता है, डोल ड्रम्बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे डोल ड्रम्बी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री, लगभग कितना, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे मुख्यतया जो हम चर्चा करते हैं, लो प्रेशर यहाँ पे मिलता है। कौन सा प्रेशर मिलता है यहाँ पे, लो, यानी कि निम्न वायुदाब यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं आगे हम चर्चा करें, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उच्च अक्षांशों के, 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि यहाँ पे उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। वहीं 60 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। और 65 डिग्री से लेकर, आगे हम बात करते हैं, 65 डिग्री 60 से लेकर 65 तक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, 60 से 65 तक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और 85 से लेकर 90 डिग्री पोलर रीजन में यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, 85 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार से हमने वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन किया कि ये वायुदाब पेटियां मुख्यतः धरातल पर ये पाई जाती हैं। अब इन पेटियों की स्थिति में बदलाव होता रहता है, खिसकाव होता रहता है। सूर्य की किरणों की हम बात करते हैं, जब सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, जिस स्थान पर लंबवत पड़ती है वहाँ, या हम कहेंगे सूर्य की लंबवत किरणों के साथ साथ ये जो प्रमुख पेटी है, कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसे हम क्या कहते हैं, ITCZ, यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सनरेज जहां जब यहां पे सीधी होती है, ठीक है, तो ये पेटी की आदर्श स्थिति तब पाई जाती है जब सनरेज कहां पे, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर सीधी चमकती, इस समय क्या पाई जाती है, इस पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या समस्त पेटियों की आदर्श स्थिति पाई जाती है। और सन रेज के उत्तरी गोलार्ध की तरफ लंबवत होने पर, यानी कि सूर्य किरणें जब सीधी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो ये ITCZ ऊपर की तरफ खिसक जाता है उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और जब ये कहाँ पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सीधी पड़ती है, तो ये ITCZ दक्षिण की तरफ, ये ITCZ यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का खिसकाव दक्षिण की ओर हो जाता है। यानी कि ये पेटियाँ स्टेबल नहीं है, इनकी आदर्श स्थिति या आदर्श स्थिति की हम बात करें, विषुव के समय, बसंत विषु, शरद विषु के समय ये आदर्श स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अभी विभिन्न प्रकार से पेटियों की हमने बात कर ली कि पेटियां यहाँ पे पाई जाती हैं, इनमें खिसकाव होता रहता है, वो भी हमने बात कर ली। आगे हम चर्चा करते हैं कि इन पवनों में, या हम कहेंगे इन पेटियों के मध्य, अब पता लग रहा है हमें उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब, तो पवने क्या चलेगी, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेगी। इन पवनों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्या क्या नाम दिए गए, इन सब की भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उपोर्ण उच्च वायुदाब पेटी से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली जो पवने हैं, इन्हें हम कहते हैं व्यापारिक पवने। क्या नाम देते हैं इन्हें, व्यापारिक पवने। ठीक है, यहाँ पे जो पवने चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, इस प्रकार से जो पवने चलती हैं, इन पवनों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो ये पवने चल रही हैं, इन पवनों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने। अब ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इधर दिशा कौन सी है ना, इधर दिशा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व से चलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी। क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। ये पवने चल रही है दक्षिण पूर्व से, तो इन्हें क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने।
क्या कहते हैं दक्षिण गोलार्ध में उपोष्ण वायुदाब पट्टी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पट्टी की तरफ चलने वाले पवनों को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने क्या कहते हैं ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवने। आगे हम चर्चा करें कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टी की ओर चलने वाली जो पवने ये पवने इस प्रकार से पश्चिमी दिशा से प्रवाहित होती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है पश्चिमी दिशा से ये पवने प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती ना पश्चिमी दिशा से ये पवने चलती है तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी दिशा से चलने के कारण सॉरी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ध्यान रखेंगे हम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर इस प्रकार से पवने चलती है और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं इन्हें हम कहते हैं पछुआ पवने। क्या कहेंगे पछुआ पवने। पछुआ पवने किधर से चलती है पश्चिम की तरफ से चलती है इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया पछुआ पवने। क्या कहा गया इन्हें पछुआ पवने कहा गया ठीक है। और हम चर्चा करें कि उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टी की ओर पवनों का जो चलने का क्रम है जो स्वभाव है प्रकृति वो हमें पता है उच्च वायुदाब से किधर चलेगा निम्न वायुदाब की ओर दे उच्च वायुदाब से लेकर किधर चल रहा है निम्न वायुदाब की ओर चल रहा है ठीक है। तो पवने किधर से किधर चलेगी पवने चलेगी ध्रुवीय क्षेत्र से कहां चलेगी ध्रुवीय क्षेत्रों से किधर चलेगी पवनों का जो चलने का क्रम है ध्रुवीय क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। इस प्रकार जब ध्रुवीय क्षेत्रों से पवने चलती है तो इन्हें क्या नाम दिया गया है ध्रुवीय पवने। क्या नाम दिया गया पोलर विंड्स ध्रुवीय पवने। तो ये स्थानीय पवने हैं कौन सी पवने हैं स्थानीय पवने हम जिन्हें कहते हैं कि ये स्थायी रूप से किसी प्रकार से चलती है। हम क्या बात कर रहे हैं स्थानीय पवनों की बात कर रहे हैं कि पवनों का जो क्रम है पवनों का जो चलने का जो क्रम है इस प्रकार से ही रहता है परमानेंट। हम जैसे कह सकते हैं कि परमानेंट ये पवने तो ऐसे ही चलती है। और फिर अलग हम कहेंगे कि जो कारक है वो विभिन्न प्रकार से पवनों के चलने के लिए जिम्मेदार है उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे वायुमंडल के परिसंचरण के साथ साथ हमें इन स्थायी पवनों की बात करनी है कि व्यापारिक पवने जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है पछुआ पवने जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है उपोष्ण वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है और लास्ट में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं ध्रुवीय पवने कहते हैं। यहाँ पे पवने पश्चिम दिशा से चलती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं पछुआ पवने कहते हैं। और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दक्षिण पूर्व की दिशा से चलती है इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने और इन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। और जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से या फेरल के नियम के कारण ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने 0 डिग्री से जब गुजरती है तो इनकी दिशा में विक्षेपण हो जाता है और किधर घूम जाती है दाहिनी तरफ घूम जाती है। और जब उत्तरी पूर्वी पवने इस प्रकार 0 डिग्री से गुजरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से विचलित होकर बाईं ओर घूम जाती है या मुड़ जाती है ठीक है। इस प्रकार हमने चर्चा कर ली। अब वायुमंडल के परिसंचरण की हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार से पवनों का परिसंचरण हो रहा है पवने किस प्रकार चल रही है। अगर हम इसमें थोड़ा सा और अंदर की तरफ या कठिन बातों की चर्चा करें ठीक है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 40 डिग्री पर ये जो पछुआ पवने चलती है 40 डिग्री अक्षांशों पर जो पछुआ पवने चलती है इनकी तेज आवाजों के कारण इसे क्या कहा जाता है गरजता चालीसा। क्या कहा जाता है गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री पर ये जो तेज आवाज यहाँ पे क्योंकि समुद्री क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में तो स्थलीय भाग है नहीं पवने काफी तेज गति से चलती है इन्हें किस नाम जाना जाता है भयंकर पचासा। और 60 डिग्री अक्षांशों पर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर ये जो तेज पवने चलती है ठीक है इन्हें किस नाम से जाना जाता है चिकता साटा। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा 50 डिग्री पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर किस नाम से जाना जाता है चिकता साटा नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इन पवनों के सर्कुलेशन की परिसंचरण की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने 3 कोस्ट लिखे हेडले कोस्ट फेरल कोस्ट और ध्रुवीय कोस्ट। इस प्रकार से इनमें अलग अलग प्रकार से कोस्ट का हमने नाम लिखा हेडले फेरल और ध्रुवीय कोस्ट। अब यहाँ पे कोस्ट क्या होता है अगर हम इसकी चर्चा करें हमारे परिभाषा दी गई है कोस्ट की कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और उसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोस्ट कहा जाता है ठीक है। यानी धरातलीय सतह पर पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर परिसंचरण कैसे हो रहा है कि ये उपोष्ण उच्च या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने यहाँ पे आ रही है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहाँ पे आ रही है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर आ रही है। अब इस प्रकार से पवने यहाँ पे आती जाएगी तो क्या होगा ना ऐसा तो है नहीं कि आती जाएगी और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है पूरा इसे अब्जोर्व करता जाएगा ठीक है। ये पवने क्या करती है यहाँ पे आती है और यहाँ से आने के पश्चात ऊपर ऐसे प्रकार से वायुमंडल में
अपसारित होती है। वायुमंडल में क्या होती है? अपसारित होती है, फैलती है। वायुमंडल में क्या होती है ना? अपसारित होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, यहाँ पे क्या हो रही है? अभिसारी हो रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे? अभिसारी हो रही है। तो अभिसारी होने के पश्चात ऐसा तो है नहीं यहाँ पे रुकेगी, ये यहाँ से क्या होता है? ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ उठने के बाद ऊपर जाकर ये फैल जाती है। ऊपर जाकर क्या करती है? फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? पवनों का क्या होता है? पवने अपसारित होती है। और ऊपर जाकर जब फैलेगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाकर ये दोनों हम कहेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगी, और ये वापस क्या होता है? ये जो ऊपर चुवायदा पेटी है यहाँ पर अवतलित हो जाती है, नीचे उतरती है, और फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर वापस से आ जाती है। इस प्रकार से पवनों का क्या होता रहता है? परिसंचरण होता रहता है। तो धरातल में और ऊपरी वायुमंडल में इस प्रकार से जो पवनों के परिसंचरण से जो कोष्ट बना इसे कहा गया हेडले कोष्ट। और यहाँ पर भी ऐसे ही प्रकृति होती है कि ऊपर उच्च वायुदाब से यहाँ पे हवा पवने आ रही है, यहाँ से ध्रुवीय उच्च वायुदाब से पवने आ रही है, और यहाँ पर भी क्या होगा? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब जब पवने अभिसारी हो रही है और पवने यहाँ पे बहुत ज्यादा हम कहेंगे पवने आती जा रही है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, पवने ऊपर उठती है और ऊपर जाकर वापस से अपसारित होती है, फैलती है। और इस प्रकार यहाँ पे जो पवनों का परिसंचरण होने से क्या बन रहा है? जो कोष्ट बन रहा है उसे फेरल कोष्ट के नाम से जानते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय कोष्ट के नाम से जानते हैं। वीडियो को दो बार देखना तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा।